हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है और आज की हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और असेंबलिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक प्रकार का पेट नेस्ट ब्रांड का कैट ट्री विद द हैंगिंग बॉल, या आप ये कह सकते हैं कैट स्क्रैचिंग पॉट। तो आप कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले जो इसका जो प्राइस जो है अमेज़न पर जो है ये आपको 650 रुपए के आसपास मिल रहा है और प्राइस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली है तो वो जो है उछल कूद करने में माहिर होती है और आपके घर के कई चीजों को वो मतलब नाखूनों से स्क्रैच करती रहती है, नाखून मारती रहती है। तो आप जो है अपनी बिल्ली को एक बहुत ही प्यारा और एक बढ़िया सा एक टॉय दे सकते हैं और वो टॉय है ये। तो हमने पुरानी वीडियो में जो है पेट नेस्ट ब्रांड का जो है कैट हाउस को भी दिखाया था और ये बिल्ली को जो है बहुत पसंद आया था। और कैट हाउस में जो है आपको बहुत सारे आजकल डेकोरेटिव डिजाइनदार चीजें भी मिल जाएंगी और हमने आपको इनके बर्ड हाउस भी दिखाए थे। तो चलिए फटाफट जो है मैं इसकी सील खोल देता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट की जो है हमने रैपिंग खोल दी है और मैं आपको ये आउट ऑफ रैपर निकाल कर ये दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है बहुत ही प्यारा है और ये चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी। तो आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो है ये हमारा जो बेस है कैटरी का ये आगे है। अब मटेरियल आप ये देखिए, बहुत ही भारी बोर्ड इसमें यूज़ किया गया है और बहुत ही अच्छा जो है फॉर्म इसमें लगाया गया है। तो हमने जो है इसकी बाकी सारी चीज़ें भी आउट ऑफ रैपर निकाल दी हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि फोटोग्राफ में इसको कैसे आपने इसको असेंबल करना है। तो चलिए मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ॉन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। दोस्तों, ये है प्रोडक्ट। तो आप सेलर के फोटोग्राफ से आप समझ जाएंगे कि इसको आपने कैसे असेंबल करना है। तो इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है, सरल है। ये इसके डायमेंशन है 11.8 इंच के करीब जो है ये इसका डायमीटर होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये स्केल रख दिया है तो 11.8 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई भी जो है 11.8 के करीब ही है। तो दोस्तों, ये मैंने असेंबल कर दिया है। तो मैं आपको इसकी हाइट भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो हाइट जो है 12 इंच से ज़्यादा ही है, तो 13 इंच के आसपास होगी। तो चलिए इसको मैं वापस आपको खोल कर दिखाऊंगा और फिर असेंबल करके दिखाऊंगा। तो इस चाबी का जो है मेन रोल होता है, तो इस चाबी को आपने संभाल के रखना है। वैसे ये चाबी आपको बाजार से भी मिल जाएगी। तो देखिए कैसे इसको खोलना है। तो इसमें जो है दो होल्स थे, तो इसको तो खोलना बहुत ही आसान था, जबकि ये जो दूसरे वाला है इसको खोलने के लिए जो है आपको, तो ये शायद ऐसे घुमा रहे हैं तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। पेच है, स्क्रू है, ये लंबा सा, ये स्क्रू पूरा ओपन हो जाएगा। धीरे धीरे खुलता जा रहा, थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। असेंबल करना बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप असेंबल इसको कर पाएंगे। हाफ से वो ज्यादा बाहर आ चुका है, ये बस ये ऐसे ही धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। बट ये आप अगर हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे तो हाथ से नहीं खोलेगा, इसलिए ये की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, ये स्क्रू इसके अंदर ही था, फिटेड था। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया कि भैया इसको कैसे फिट करूं, कैसे लगाऊं। तो ये स्क्रू जो है इसके अंदर ही था। तो वापिस आप इसको लगा के दिखाइए। तो पहले बता दीजिए कैसे था, इसका स्क्रू कैसे निकालना है आपने। आप ये देखिए, ऐसे कस दीजिए इसको पहले हाथ से, तो उसके बाद की लगा के। तो ये ऐसे ही ढूंढना, तो ऐसे ही स्क्रू इससे निकाला है। तो ये वापिस ये टाइट करें। अच्छा, पूरा अंदर चला जाता है। फ्रेंड्स, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। दोस्तों, जब मैंने रैपिंग से निकाला था तो बिल्कुल ये ऐसे था और ये देखिए ये इसके अंदर स्क्रू है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि भैया इसको कैसे असेंबल करूं। तो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन के पास भी जाने की सोच रहा था,
पर ये देखिए ये स्क्रू आपने पहले इस चाबी से खोला, खोल के दिखा दीजिए। स्टार्टिंग से जो है जैसे हमने असेंबल किया था तो वो आपको हम पूरा स्टेप्स दिखा रहे हैं अब। तो ये हम सारा खोल देंगे, जब तक ये खुल रहे मैं आपको पेट नेस्ट के और कैट टॉयज दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये कैट ट्री है, सिमिलरली जो है ये तीन तीन कैट ट्री है, तो इसका जो प्राइस जो है पेट नेस्ट ब्रांड में जो है 1400 रुपए के आसपास है, और प्राइस जो है हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इन्होंने पूरा खोल दिया। चलिए आप इसको कैसे असेंबल करेंगे, तो जस्ट 2 मिनट में असेंबल हो जाएगा, बस आपको तरीका आना चाहिए। देखिए उल्टा लगाया और फिर आपने होल्स को अलाइनमेंट करना है, मिलाना है आपस में तीनों छेद को, इस नट को, इस बोर्ड में जो छेद हो रहा है और इस जो हमारे ट्री में जो छेद हो रहा है, तीनों को मिलाकर ये चाबी टाइट करनी है। तो 2 मिनट में जो है आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा बहुत आप चाहो तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जस्ट ये टाइट करते जाना है, तो शायद ये अलाइनमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान से कीजिए। अलाइनमेंट करने में हल्की सी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको भी दिक्कत आए, इस बार शायद इन्होंने कर दिया, क्योंकि जब आप चाबी घुमाओगे तो ये जो नट है हमारा अंदर जाना चाहिए, तो पहले बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। अब ये देखिए अब इनको दम भी लग रहा है, ताकत भी लग रही है, और ये नट जो है लगातार इस ट्री में जा रहा है। तो ये हमारा जो है एक पार्ट तो है इसका लग गया है, तो चलिए इसको अब रख दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर होल्स हो रहा है, तो इसके लिए आपको कोई चाबी की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट ही आपने ढीले हाथों से इसको टाइट कर देना है। तो ये वाला हिस्सा जो है मैंने डायग्राम में नहीं देखा है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल जो फोटो है इसमें तो नहीं है, पर जो आप 3 वाला देख रहे हो उसमें ये है। तो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, और मैं आपको जो है डेमो भी दूंगा। तो हमारे पास 2 छोटी-छोटी बिल्लियां हैं, तो वो क्या रिएक्ट करती है इस कैट ट्री विद द बॉल से। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं, ये छोटी सी बिल्ली है जो कि सिर्फ 2 महीने ही ओल्ड हुई है। तो ये हमारे जो पेस्ट नेस्ट ब्रांड का जो ये कैट ट्री है, इसमें तो पूरी तरह से सम्मोहित हो गई है, और हमने इसकी बहुत लंबी वीडियो बनाई है। जैसे ही हमने इसको दिया ये टॉय, तो इधर उधर बिल्कुल भी घूम नहीं रही थी, यानी कि इसी टॉय में आनंद ले रही थी, और आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये खेल रही है। तो मुझे तो लगता है ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, और आप ये देख सकते हैं कि इस बिल्ली को भी काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी मज़े ले रही है। और वी होप पेट नेस्ट ब्रांड के दूसरे भी कैट ट्री है या कैट टॉयज है, मैं उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सारी ये वीडियो आपको यहाँ अटैच कर देता हूँ, और उसको शायद थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। तो दोस्तों मैं वीडियो के डिटेल में इस कैट ट्री का लिंक डाल दूंगा, और पेट नेस्ट ब्रांड के जितने भी दूसरी कैट एक्सेसरी हैं, जैसे कि कैट हाउस है या इनका एक और बढ़िया सा कैट ट्री है, तो सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आप चाहो तो पेट नेस्ट ब्रांड के आप डॉग हाउस भी ले सकते हैं, उनके जो है बर्ड हाउस हैं, बर्ड हाउस की तो इतनी वेराइटियाँ हैं, बहुत सुंदर जो है आप अपने गार्डन में हाल में लगा सकते हैं।
ये प्रोडक्ट जो है आपको पेट नेस्ट ब्रांड की तरफ से 650 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो प्राइस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और इसी तरह से पेट नेस्ट ब्रांड का जो है आपको वुडन में कैट हाउस भी मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बिल्लियों को तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हवादार भी है और बिल्ली की शेप बनी हुई है। तो ये आपको 2400 का मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है पेट नेस्ट ब्रांड में ही जो है आपको डेकोरेटिव आइटम्स, और मैंने आपको कई सारे बर्ड हाउस का भी डेमो दिया है। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो जरूर सब्सक्राइब करना भाई। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।